गाइस, दिस इज योर स्क्वायर, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइड। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप जोसा या सीएसएबी के थ्रू किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो डॉक्यूमेंट अगर अभी आपके पास नहीं है तो उन्हें कैसे बनवाना है। अगर आप जोसा के थ्रू एडमिशन लो चाहे आप सीएसईबी के थ्रू एडमिशन लो, दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के वो एकदम सेम ही होते हैं। तो दोनों ही बच्चों के लिए, चाहे वो जोसा का हो या सीएसईबी का हो, सबके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के लिए, ये सबके सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए है। तो पहले मैं आपको 15 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3-4 डॉक्यूमेंट्स और बताऊंगा जो कि अंडरटेकिंग है, और जो लास्ट के 3-4 डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा जो कि अंडरटेकिंग है वो आपको जो कॉलेज का फॉर्म मिलेगा ना इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करते टाइम जो फॉर्म फिलअप करोगे उसी फॉर्म में वो अंडरटेकिंग होंगी। बस आपको उन्हें फिलअप करना है और उसमें आपको अपने और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है। तो पहले जो 15 डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं उन्हें नोट डाउन कर लेना, बताते चलूंगा कि ये कहां से बनेंगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम बेसिक है, जिसमें आपके पास आपका एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए। अब कई बार बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि जो फोटो है वो हमें वही लगाना होगा जो हमने जेई मेन के एडमिट कार्ड में लगा रखा है। अगर आपके पास जेई मेन का एडमिट कार्ड वाला फोटो अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, काफी बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं है तो परेशान मत हो, आप अपना कोई भी एक लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यूज कर सकते हो। बस वो फोटोग्राफ जो है वो कलर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, ठीक है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर कैसे मिलेगा, तो जब आप जोसा या सीएसएबी के अंदर, मान लो मुझे जोसा के अंदर सीट मिला था, तो जोसा के अंदर जब मुझे सीट मिला पहले मैंने जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड किया, इसके बाद फिर जो मैंने वहां पे बिलिंगनेस सबमिट की, फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग किया, फिर जो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट था वो किया, इसके बाद जब मेरा वेरिफिकेशन स्टेटस आ जाता है कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, तो फिर एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है, वो आपको डाउनलोड करना है और वो आपको लगाना पड़ेगा। जोसा के अंदर भी प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा, और अगर सीएसएबी में सीट मिला है तो सीएसएबी के अंदर वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर का नीचे एक ऑप्शन मिलता है, बस उसे सिंपली डाउनलोड कर लेना और सेम टू सेम उसे अपलोड कर देना इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के टाइम पे। इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग जो है वो ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूं वो सबके सब डॉक्यूमेंट बस आपको स्कैन करके और जो फॉर्म मिलेगा आपको, चाहे वो आपको मेल आईडी पे कॉलेज भेजे या फिर कॉलेज की वेबसाइट पे दे, तो बस उस फॉर्म में फिलअप करते जाना है। इसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो जेई मेन का एडमिट कार्ड है। अब जेई मेन का एडमिट कार्ड कौन सा डाले, 4-4 हो रहे हैं, तो आप जिसमें आपका सबसे बेहतर स्कोर है ना उस अटेम्प्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और उसे अपलोड कर देना उस फॉर्म के अंदर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग वाले के अंदर, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे है जेई मेन का स्कोर कार्ड। जेई मेन का स्कोर कार्ड के बाद नंबर 5 पे है क्लास 10th का मार्कशीट। अगर क्लास 10th का मार्कशीट नहीं है आपके पास तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना उसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे जो डॉक्यूमेंट है वो है क्लास 12th का मार्कशीट। क्लास 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अगर आपका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप जो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट है उसे भी अपलोड कर सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर मार्कशीट आ गई है तो फिर आपको जो मेन वाली मार्कशीट है उसे ही अपलोड करना है। इसके बाद नंबर 7 पे है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो जोसा में कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे लगाए थे ना, या सीएसएबी में सीट मिले तो सीएसएबी में जो सर्टिफिकेट लगाए थे कैटेगरी का वही आपका वर्क कर जाएगा। इसके बाद नंबर 8 पे है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। नंबर 9 पे है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नंबर 10 पे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको वहां से यूज करना है जिसमें आप लास्ट में पढ़ रहे थे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पार्शियल ड्रॉप लिए होते हैं कॉलेज में होते हैं, तो आपको जो टीसी यूज करनी है और जो माइग्रेशन यूज करना है वो उसी इंस्टीट्यूट का यूज करना है जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे थे वहीं से आपको मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में थे इसके बाद एडमिशन ले रहे हो, या फिर क्लास 12th में थे फिर ड्रॉप किया फिर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो,
तो फिर आपको जो स्कूल वाला है उसे आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्शियल ड्रॉप किए थे तो आपको उसी कॉलेज का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है यूज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। वहीं से आपको जो टीसी और माइग्रेशन है वो मिलेगा। इसमें दिमाग मत लगाना कि जो स्कूल वाला है उसे जमा कर दो तो कॉलेज वाले में आपका एडमिशन है, ये फिर फ्रॉडगिरी हो जाएगी, ठीक है। तो वहीं से ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना जहां पे आप लास्ट में पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर स्कूल था तो स्कूल से, कॉलेज में थे पार्शियल ड्रॉप था तो कॉलेज से निकलवाना। इस पॉइंट में मैं इसीलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद नंबर 11 पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये भी आपको सेम स्कूल में थे तो स्कूल से निकलवाना, कॉलेज में पार्शियल ड्रॉप वाला सीन था तो वहां से निकलवाना। इसके बाद नंबर 11 पे जो डॉक्यूमेंट था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। एंड इसके बाद नंबर 12 पे जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम सर्टिफिकेट है। अब इनकम सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, तो कोई बात नहीं, जहां पे नोटरी का काम होता है आपके यहां आसपास जो कलेक्ट्रेट होगा, कलेक्टर ऑफिस जो होगा जहां नोटरी का काम होता है, या फिर जो तहसीलदार का ऑफिस होगा, वहां पे आप चले जाइए, अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड ले लीजिए या वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए, उनका पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए और उन्हें भी साथ में ले लीजिए क्योंकि उनके सिग्नेचर लगेंगे वहां पे, तो वहां पे जाके वो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना देंगे। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है तो उसे रिन्यू करवा लेना, जिससे कि वो एक्सेप्ट हो जाता है और आपको स्कॉलरशिप वगैरह में आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर पुराना है तो रिन्यू करवा लेना, नहीं बना है तो जैसे मैं बताया हूं, ठीक है, वहां पे जाके अपने पेरेंट्स के साथ बनवा लेना। इसके बाद नंबर 13 पे जो डॉक्यूमेंट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो कि जोसा के फॉर्मेट में जो बना रखे हो ना ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए, वही वर्क कर जाएगा। एंड नंबर 14 पे जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है, आपको अपना भी आधार कार्ड डालना पड़ेगा और अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड डालना पड़ेगा। एंड इसके बाद नंबर 15 पे जो डॉक्यूमेंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग है। अब एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग में कहां से बनवाऊं भैया, इसका फॉर्मेट मुझे कहां से मिलेगा, तो एंटी रैगिंग का ये जो अंडरटेकिंग बनेगा, ये एक आपका बनेगा और एक आपके पेरेंट्स का बनेगा। और ये जो अंडरटेकिंग है ये यूजीसी की जो गाइडलाइंस है ना उसके बेसिस पे बनने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्मेट दे दिया है, वहां पे जाइए उसे डाउनलोड करिए और नोटरी वाले के पास जाके उसे बनवा लीजिए, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट है, वहां से जाकर आप एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग बनवा सकते हैं। तो ये जो 15 डॉक्यूमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट। आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर लगेगा, जे मेन का एडमिट कार्ड, जे मेन का स्कोर कार्ड, क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड होना चाहिए एंड एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग होना चाहिए। तो ये 15 डॉक्यूमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ अंडरटेकिंग है जो कि आपको फॉर्म के साथ ही मिलेंगे, जो फॉर्म वो देंगे कॉलेज वाले इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के लिए उस फॉर्म के साथ मिलेंगे, जिसमें आपके पास पहला जो फॉर्म होगा वो होगा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के लिए, तो वो आपको अंडरटेकिंग फिल कर देना है, वो फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद आपके पास एक फॉर्म एनसीसी की तरफ से होगा या एनएसएस की तरफ से होगा। एंड इसके बाद आपके पास एक फॉर्म होगा जो कि ये बताएगा कि आप व्हीकल वगैरह यूज कर रहे हो जो, उसके लिए अंडरटेकिंग होगा, ठीक है। इन सब का आपको परेशान नहीं होना है, ये सब के सब जो फॉर्म अब अंडरटेकिंग वाले बता रहा हूं, ये सब के सब आपको कॉलेज का जो फॉर्म मिलेगा इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग का उस पे मिलेंगे। और जो चौथा अंडरटेकिंग होगा वो ये होने वाला है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक दी है, चाहे वो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स हो या फिर ये अंडरटेकिंग हो, सब की सब सही है, तो उसके लिए अंडरटेकिंग रिगार्डिंग करेक्शन इंफॉर्मेशन ये भी आपको फिलअप करना होगा। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेंगे। ये कैसे बनेंगे इनके बारे में भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। और सीएसएबी काउंसलिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर जोसा के अंदर आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पाया है, रैंक लो है, तो हमारी जो काउंसलिंग सपोर्ट टीम है वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है, उन्हें जाकर आप उनका जो पेड काउंसलिंग सपोर्ट प्लान है उसमें इनरोल हो सकते हैं। वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन में एडमिशन दिलाएंगे, तो वहां पे जाके इनरोल कर सकते हैं। मैं मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए चलता हूं मैं, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद।